जल नगर प्रभाग के पूर्व पार्षद, पूर्व स्थायी समिति सभापति और भाजपा नेता रवि असवानी की ओर से पार्थशर समाचार को 2 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में हार्दिक हार्दिक बधाई। कन्या नागरी बैंक के विशेषज्ञ निदेशक और कन्या देवस्थान ट्रस्ट चंद्रपुर के ट्रस्टी उदय कृष्ण राव बुद्धावार जी की ओर से पार्थेश्वर समाचार को 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन और आने वाले वर्षों के लिए शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। दिनांक 29 मार्च 2023 को चंद्रपुर के सरदार पटेल महाविद्यालय के फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट की ओर से एक शानदार फैशन शो का आयोजन किया गया। इस फैशन शो के लिए मुंबई से सिने तारिका, हिंदी और मराठी टीवी सीरियल्स और फिल्मों की अभिनेत्री राधा सागर और उसी तरह से जाड़ी पट्टी के मशहूर कलाकार जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, परशुराम कुने विशेष रूप से उपस्थित थे। उनके अलावा सर्वोदय शिक्षण मंडल की अध्यक्षा पोर्ट दुखे, महासह सचिव डॉक्टर कीर्ति वर्धन दीक्षित, प्रिंसिपल प्रमोद काटकर और फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट प्रमुख अनिता मत्ते मैडम उपस्थित थे। स्टाइल सफारी 2023 के नाम से आयोजित फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के इस फैशन शो के लिए कॉलेज के विद्यार्थियों ने ही सारे ड्रेसेस को डिजाइन करके बनाया था, जिसकी तारीफ करते हुए सेलिब्रिटी अतिथि राधा सागर ने कहा कि ये मुंबई से भी अच्छे नजर आ रहे हैं। उसी तरह इन परिधानों को प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर मॉडल्स सरदार पटेल महाविद्यालय के विद्यार्थी थे और कुछ मॉडल्स को बाहर से भी आमंत्रित किया गया था। इसमें एक किड्स राउंड भी रखा गया था। इस फैशन शो के अंत में विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए, जिसमें बेस्ट डिजाइनर के रूप में पहले राउंड फैशन जीनियस के लिए MFD सेकेंड ईयर की छात्रा रवीना गौरकर को विजेता घोषित किया गया। उसी तरह दूसरे राउंड में, जो कि एनिमी कॉस्प्ले पे आधारित राउंड जिसका नाम मोर देन फैशन रखा गया, जो कि एक कपल राउंड था, इसके लिए बेस्ट डिजाइनर के रूप में विशाखा फूल झले और अनुष्का चौधरी को विजेता घोषित किया गया। तीसरा राउंड क्लोन थीम बच्चों का था। इस राउंड का नाम स्पार्किंग कार्ड्स रखा गया था। इसके विजेता डिजाइनर BFD फर्स्ट ईयर की छात्रा सोनिया शेख और चांदनी धनकर रही। वहीं चौथे राउंड में, जो कि प्रोजेक्ट राउंड था जिसे डिजाइनर मास्क का नाम दिया गया था, इसे BFD की छात्रा रिया शेंडर ने जीता। और पांचवा राउंड फैशन नेवर स्लीप्स के नाम पर रखा गया, जो गोन ट्रैवल थीम पर था। इसमें MFD फर्स्ट ईयर के छात्र साहिल रत्ना पारखी ने जीता। उसी तरह बेस्ट मॉडल पुरुष सिद्धार्थ निमसटकर को दिया गया और बेस्ट मॉडल महिला प्रणाली देवारे को दिया गया। बच्चों में गार्गी रागेट लड़कियों में विजेता बनी, वहीं निश मानुष मारे बच्चों के लड़कों में विजेता बना। जजिंग के लिए मिसेस इंडिया देवायनी उपरे, कॉस्मोस पेंजेंट के संचालक राजेश नायडू और विकास ने योगदान दिया। कोरियोग्राफी शुभम गोविंदवार और काजल ने की, वहीं नौशाद शेख ने अपने एंकरिंग से पूरा समा बांध दिया। सारे विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र सेलिब्रिटी अतिथि राधा सागर के हाथों दिया गया। वहीं नौशाद शेख ने अपने एंकरिंग से पूरा समा बांध दिया। सारे विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र सेलिब्रिटी अतिथि राधा सागर के हाथों दिया गया।
आयोजन करता है और जनरली जब भी हम फैशन शो का आयोजन करते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फैशन डिजाइनिंग कर फैशन शो का आयोजन करते हैं, हमारे लिए हमारे प्रोडक्ट हमारे स्टूडेंट हैं। तो मेरा मतलब यही है ना मैडम बच्चे मैडम से कि हमारे प्रोडक्ट को हम किसके सामने अपन पेश कर रहे हैं, तो स्टेक होल्डर्स को भी अपने बुलाना चाहिए इस प्रोग्राम में जिनके सामने अपन पेश करते हैं। और आपने राधिका मैडम को तो बुलाया कि एक और अपने लोगों से आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ने की प्रेरणा ले, और जैसा कि सर बता रहे थे मेरे को कि अपने फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट के लड़के बहुत अच्छी अच्छी जगह पे अपने आप को उन्होंने प्रस्तावित किया है, तो मेरे ख्याल से कि इस प्रकार के कार्यक्रम के बीच में अपने अपने पुराने लड़कों को कि जिन्होंने अपने आप को अच्छे से स्थापित किया है शोकेस करके उन्हें यहाँ बुलाया और उनको अपने साथ में प्रेजेंट किया जाए, तो इसकी फैशन को आयोजन करने की जो महत्ता है और इम्पोर्टेंस है वो अचीव हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे महाविद्यालय में मैं सबको इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सेलिब्रिटी आने के बाद भी हमारे बच्चे इतने शांति से बैठे हैं, स्पीक्स द डिसिप्लिन इन द कैंपस विद गोज टू द स्टाफ ऑफ द कॉलेज कि एनवायरमेंट हैज टू बी क्रिएटेड एंड इट इज ऑनली बिकॉज ऑफ द स्टाफ। सो वंस अगेन आई विश द डिपार्टमेंट कि वॉट एवर द प्रोग्राम दे हैव ऑर्गेनाइज विल बी अ सक्सेस एंड व्हाट फॉर इट हैज बीन ऑर्गेनाइज यू हैव टू असेस आफ्टर द प्रोग्राम कि वेदर यू अचीव्ड इट और नॉट, इफ इट नॉट 100% गिव योर 100% 200% नेक्स्ट टाइम। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। समझा तरह याच्याकरता इतक्या महिलांनी हे फॅशन डिझायनिंग यावेळेस सुरू केलेलं आहे। माझं त्यांना एवढंच म्हणणं आहे की आपल्या इंडियामध्ये ज्या तऱ्हेचं आपण फॅशन म्हणा आपला कपड्याचं डिझाईनिंग म्हणा ज्या तऱ्हेचं आहे ते त्याची जगात समोर न्यावं एवढीच माझी इच्छा आहे आणि त्यांनी ते करावं लागेल असं वाटतं। बस मी त्यांना शुभेच्छा देते, या निमित्ताने तरी त्या समोर जाती अशी इच्छा आहे। तुम्ही खरंच विचार करत असाल तर तुम्ही खूप गोष्टी सिरियसली घेऊन त्या गोष्टींवर फोकस करून पुढे गेलं पाहिजे। सो डेडिकेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे, खूप स्कोप आहे आणि खूप अभिमानाची गोष्ट आहे की अंशुराम सरांसारखे नंतर एवढं छान सरदार पटेल हे महाविद्यालय यांच्याबद्दल पण मी खूप ऐकलेलं आहे की इकडे सुद्धा खूप कलाकार घडतात आणि ते घडवण्याचा प्रयत्न इथे चांगले चांगले फॅकल्टी आहे टीचर्स आहे जे प्रयत्न करतात। सो जास्तीत जास्त स्टुडंट्सनी त्यांचा काय म्हणतात फायदा करून घेतला पाहिजे कारण ही जी वेळ आहे किंवा हे जे दिवस आहेत ना हे परत नाही आहेत, जसं स्कूल कॉलेज हे आपण परत नाही कधी अनुभवू शकत, तर मज्जा पण तेवढीच करायची आणि अभ्यास आणि करिअर या पण गोष्टी आत्ताच क्लिअर करायच्या। जेव्हा तुम्हाला ती दिशा सापडेल मग तुम्ही पटापट एक टप्पे पार करू शकाल। मी फार वेळ घेत नाही पण मला इथे आमंत्रित केल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। चंद्रपूरमध्ये म्हणजे ज्याला महाकालीचा इतिहास आहे मला ते मंदिरही बघायची इच्छा आहे होता, पण इथे येऊन मला खरंच खूप छान वाटलं आणि थँक्यू सो मच, लव यू। आणि तुम्ही सुद्धा मला मी नक्कीच असं एक्सपेक्ट करेल की येणाऱ्या काही वर्षात त्याच्यातून खूप कलाकार मला माझ्यासोबतही काम करतील आणि मराठीत आणि हिंदीतही काम करत असतील। नमस्कार, पारशार समाचारला मी दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि पारश समाचार हे नेहमी माझ्या प्रचारामध्ये अग्रेसर राहिलेले आहेत आणि मीडियाच्या माध्यमातून चांगली भूमिका यांनी बजावलेली आहे, त्याबद्दल त्यांना सुद्धा खूप खूप अभिनंदन। पारशार समाचार ये चंद्रपूर में 2 साल से डिजिटल मीडिया में बहुत धूम मचा रहा है और इनको 2 साल पूरे होने के शुभ लक्ष्य में मेरे तरफ से बहुत 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 बधाई। और ये हमारे राजेश भाई है, इनके वजह से चल रहा है ये, चाहे दूसरा रहता तो ये इतना नहीं चलता रहा, पहला ही ये डिजिटल माध्यम है, शुरुआत से अभी तक निरंतर चल रहा है और निरंतर इनकी न्यूज आती है, रोज न्यूज मैं सुनता हूँ, रोज मेरे पोर्टल पे आता है और मैं बहुत
बारीकी से सुनता हूँ। बहुत अच्छी आपकी जो एंकरर है, जो क्या बोलते हैं, न्यूज रीडर, बहुत बढ़िया है। उसके लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वो निरंतर आपके पास काम करे और एक बार दो साल की उपलक्ष्य में तुमको बहुत बहुत बधाई। अर्थशर समाचार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सेंट माइकल स्कूल और स्कूल की मैनेजमेंट की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाले दिनों में यह समाचार जो है ये काफ़ी उभर के आए और जो सत्य परिस्थिति लोगों के सामने वो जिस रूप से आ रहे हैं वो सही में सराहनीय है, और हमारे स्कूल प्रशासन की ओर से उनको ढेर सारी। पार्थशर समाचार के माध्यम से चंद्रपुर ने पूरे विदर्भ को रोज अलग अलग तरह की न्यूज़ मिलती है। इसके जो संचालक है आदरणीय राजेश नायडू जी, वो सच्चाई के बारे में उजागर करने के लिए वो न्यूज़ अपने समाचार के माध्यम से देते रहते हैं। दो साल में पार्थशर समाचार ने अपना नाम रोशन किया। भारतीय जनता पार्टी का मैं महामंत्री करके पार्थशर समाचार का रोज़ दखल लेता हूँ। और एक बार पार्थशर समाचार के दूसरे वर्धापन दिन की कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूँ, और माता महाकाल की नगरी है, माता महाकाल को प्रार्थना करता हूँ कि इनके हाथ से आज तक जो अच्छा काम होते रहा यही निरंतर शुरू रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। दिनांक 27 मार्च 2023 को रात करीब 10 बजे से 11:35 तक जरी पटका थाने के NDPS अधिकारी और प्रवर्तक पुलिस जब ग्रामीण पुलिस मुख्यालय के सामने थावरे कॉलोनी रोड पर टीम के साथ थाना सीमा में गश्त कर रहे थे, तभी विश्वसनीय सूचना के आधार पर आरोपी 20 वर्षीय पार्थ संजय बंसोड़ की तलाशी ली। इस दौरान आरोपी के पास मेफेड्रोन, ड्रग पाउडर 4.54 ग्राम मिला और 45,000 रुपए का एक मोबाइल फोन और एक एक्टिवा गाड़ी, ऐसा कुल 1,15,000 रुपए का मुद्दे माल जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ NDPS की धारा 8 और 21 ब कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। ये कार्रवाई पुलिस उपायुक्त श्रवण दत्त, संतोष खांडेकर, जरी पटका विभाग संतोष बकाल, गोरख कुमार, राजकुमार त्रिपाठी, प्रदीप काइट और NDPS पथक के अजय ठाकर, नारायण चौधरी, सागर यादव, संतोष पांडे ने मिलकर की। पुलिस के अनुसार आरोपी की पूछताछ में नागपुर में और पूरे विदर्भ में ड्रग सप्लाई करने वाले कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। जो आरोपी जो पकड़ा गया है, उसका नाम क्या है, क्या काम है और क्या कहां रहता था, क्या रहता है? आरोपी का नाम है पार्थ संजय बंसोड़, उसकी उम्र 20 वर्ष है और लघु वेतन कॉलोनी जरी पटका का रहने वाला है। दिनांक 27/3/2023 को हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे। रात को लगभग 9:45 के आसपास हम लोग जब थावरे कॉलोनी रोड से जा रहे थे, तो उस समय हमको देखकर एक लड़का भागा, तो हमने उसका पीछा किया, उसको ताबे में लिया स्टाफ की मदद से, और पंचों के सामने जब उसकी अंगजड़ती लिया तो वहाँ पर उसके पास हमको कुछ मात्रा में हमको पाउडर बरामद हुआ। उससे हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि MD पाउडर है, और वो जैसे उसको किसी का फ़ोन आता है तो वो उसको देता है, तो और वो खुद भी उसका सेवन करता है। तो उसमें उसने उसके पास से फिर हमने मशीन बुला करके हमने उसका वेट किया, तो 4.54 ग्राम के आसपास उसके में वो MD ड्रग्स हमको मिला है। वो हमने उसको फिर सेकेंड डे कोर्ट में प्रोड्यूस किया, तो माननीय कोर्ट ने उसका 30 तारीख तक PCR ग्रांट किया हुआ है। वरिष्ठों के मार्गदर्शन में तपास चल रहा है। इसने कहाँ से लाया था इस बाबत पे तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और ये लड़का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र है, सेकेंड ईयर का। इतनी जानकारी हमारे पास अभी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा नेता, समाज सेवक और प्रतिष्ठित व्यवसायी अमित उमरे की ओर से पार्थशर समाचार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और तीसरे वर्ष के कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रपुर जिले से पार्थशर समाचार, जो कि डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल है, इस न्यूज चैनल के माध्यम से चंद्रपुर के अनेक एक्टिविटीज में सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, धार्मिक सभी पे प्रकाश डाला जाता है, और इसलिए इस चैनल के लिए लोगों में बहुत लोकप्रियता बढ़ती गई है। अभी उनका दूसरा वर्षगांठ हो रही है, तो उसके लिए मैं शुभकामना देता हूँ
और इसी तरीके से कार्य पद्धति रहेगी। देश में लोकतंत्र के महत्व देते हुए सभी को आप न्याय दे रहे हैं, मैं आपको शुभकामना देता हूँ, आपका धन्यवाद भी देता हूँ।